Body Uniform Director Finance. स्टार्टअप क्षेत्र में माइलखुंट अतिक्रम करिछि देश स्वच्छता और स्वच्छतार संकल्प देशर उन्नति में सहायक योग विश्व में भारत को एक स्वतंत्र परिचय देछि। मन की बात रे मनर कथा कहिले प्रधानमंत्री। स्टार्टअप बिजनेस क्षेत्र में माइलखुंट अतिक्रम करिछि देश। मे 5 सुधा यूनिकॉर्न कंपनी रा संख्या 100 छुईछि। भारतर स्टार्टअप बिजनेस केवल बड़ सहर रे सीमित नाही, बरं छोट छोट सहर रे मध्य स्टार्टअप वृद्धि पाइबार लागिछि। मन की बात रो 99वें संस्करण रे प्रधानमंत्री मोदी सॉफ्टवेयर और प्रजुक्ति विद्या संगठन अभिवृद्धि को प्रशंसा करिछंती। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। और आपको तो पता ही है, एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। जून 21 रे अष्टम विश्व योग दिवस पालन करा जीवो। एही वर्षर योग दिवसर विषय वस्तु हेला मानवता पाई योग। अमृत महोत्सव को दृष्टि रे रखी चलित वर्ष देश रे 75 टी प्रमुख स्थान रे आंतरजातिक योग दिवस आयोजन करा जीवो। योग दिवस पाई समस्ते प्रस्तुत रहिबा को प्रधानमंत्री मन की बात रे कहिछंती। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने 21 जून को हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं। इस बार योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं आप सभी से योग दिवस को बहुत ही उत्साह के साथ मनाने का आग्रह करूंगा। हाँ, कोरोना से जुड़ी जरूरी सावधानियां भी बरतें। वैसे अब तो पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर हालत पहले से कुछ बेहतर लग रहे हैं। अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कवरेज की वजह से अब लोग पहले से कहीं ज्यादा बाहर भी निकल रहे हैं, इसलिए पूरी दुनिया में योग दिवस को लेकर काफी तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। एभली अनेक उदाहरण देखी आमको जो मार्ग आज प्रधानमंत्री देखते से सर्वप्रथमे धन्यवाद जनाऊँगी। द्वितीय कथा, आम समस्त सबुबे जी जोटी अच्छी दल मत निर्विशेष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मन की बात देखिकी सेठू प्रेरणा नवा। एथसह चारिधाम यात्रा बेले स्वच्छता को ध्यान देवाक परामर्श देछंती मोदी। स्वच्छता बिना तीर्थ यात्रा अधूरा, एणु आमे समस्ते धार्मिक स्थली पवित्रता रक्षा पाई स्वच्छता जरूरी बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। इस देवत्व और आध्यात्मिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी तो है। अभी हमारे देश में चार धाम यात्रा के साथ साथ आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा जैसी कई यात्राएं होगी। सावन मास में तो शायद हर गांव में कोई न कोई मेला लगता है। साथियों, हम जहां कहीं भी जाए इन तीर्थ क्षेत्रों की गरिमा बनी रहे। शुचिता, साफ सफाई, एक पवित्र वातावरण, हमें इसे कभी नहीं भूलना है। आज प्रधानमंत्री का मन की बात रेडियो कार्यक्रम प्रसारण समय रे लोकों को गहन रे दिल्ली रे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विभिन्न स्थान रु अन्य मुख्यमंत्री और अधिकारी गण एही कार्यक्रम रे जोड़ी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।